लेकिन आपने 10% आरक्षण लागू किया, आपने भेजा किया तो ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, 8 लाख कमाने वाले को आप मानते हैं कि गरीब है, आप उनको आरक्षण दिए, तो क्या एक नाई का बेटा, एक मल्ला का बेटा 8 लाख कमाने वाला है तो क्या वो गरीब नहीं है? आज निषाद का बेटा 8,000 रुपए महीना कमाने वाला, 12 महीना में 96,000 रुपए कमाने वाला, 1 लाख भी नहीं कमाते हैं, लेकिन आप उनको आरक्षण नहीं दे रहे हैं, लेकिन 10% आरक्षण आपने सामान्य वर्ग को दिया, जो 8 लाख कमाने वाले लोगों को भी आप गरीब मानते हैं, जो महीने में 65,000 रुपया कमाता है उसको भी आप गरीब मानते हैं, लेकिन 8,000 कमाने वाले को नहीं मानते। ये क्यों, कैसे भैया? आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनको भी दीजिए, लेकिन इनको तो दीजिए, जो आईसीयू में है उनका इलाज आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनको दिए, क्यों दिए? क्योंकि आरएसएस 1925 में स्थापना हुआ, 96 साल इस देश में संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी को जन्म देकर इस जगह पे पहुंचाया है, और निश्चित तौर पे वो पहुंचेगा तो वो अपना काम करेंगे, अपने लोगों की बात करेंगे, आज देश में हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, क्योंकि हिंदू मुसलमान करके ही उनको सरकार में रहना है। लेकिन आप अभी हमारे साथी ने कहा ना, इस देश का ना हिंदू ना मुसलमान खतरे में है, इंसान खतरे में है, आज आप कैसे संसार बनाना चाह रहे हैं? इसलिए साथियों, आपको भी समझना पड़ेगा, इस दुनिया को देखना पड़ेगा कि दूसरे लोग किस चश्मा से देख रहे हैं, उसी चश्मा से आपको भी देखना है। लालू प्रसाद जी, अगर आप जो चश्मा से संसार को देखा है वही चश्मा से आपको भी देखना है, और जिस चश्मा से मायावती देखे हैं संसार को उसी चश्मा से आपको भी देखना है, और जिस चश्मा से मोहन भागवत जी देखे हैं इस संसार को उसी चश्मा से आपको भी देखना है। अगर वो अगर अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो आपको भी अपने लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। आप ये सोचिएगा कि वो आपके लोगों के लिए काम करेंगे तो वो तो नहीं कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि मोहन भागवत जी हिंदू के नाम पे क्या हमारे लिए काम कर रहे हैं? तो कल हमें हमारे निषाद समाज को जो बंगाल में, जो दिल्ली में आरक्षण लागू है और संविधान में दिया हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, कल हमारे निषाद को आरक्षण लागू कर दे, हम परसों अपनी पार्टी को विलय कर देंगे। आप हमें अपना प्लान बनाना चाहते हैं लेकिन काम नहीं कराना चाहते हैं। आप बताइए, आप हमारे सहयोग से 74 बनाए और 4 हमको बनाओ, उसमें इतना कष्ट हो गया? एक पिछड़ा गरीब मल्ला के बेटा को 4 विधायक कैसे हो गया? वो आज सरकार का हिस्सा कैसे हो गया? जब तक हमारे एनडीए का जब बैठक होता था तो जब सामने सारे विधायक बैठते थे, मंत्री बैठते थे, लेकिन स्टेज पे 4 वो कुर्सी लगता था, और 4 वो कुर्सी में एक माझी जी बैठते थे, एक नीतीश कुमार जी बैठते थे, और एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठाया जाता था, और चौथा आपका सनत मल्ला बैठता था। आज उनको इतना तकलीफ होने लगा कि हमारे पंक्ति में बैठने लगा। अरे भैया, ये पंक्ति पे बैठना हमारा अधिकार है, इस लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा वोट है वही इस देश का राजा बनेगा, ये अम्बेडकर साहब ने हमें देखे गया, जिसके पास ज्यादा वोट है वही प्रतिनिधि बनेगा। आज वोट हमारे पास है और हमको लोगों को गुमराह करके और राजा तुम बन के बैठे हो, तो हम तुम्हारी तौकात दिखा दिए बोचा में, हमने आपने दिखाया और हमने भी दिखाया और हम लड़ गए। आप पूरे एनडीए मिलकर 45,000 वोट लाए और हम अकेले लड़े तो 30,000 हमने वोट लाया, 18% हमने वोट लाया, जो सीट हम 2020 में 12,000 वोट से जीते थे वही सीट को 37,000 वोट से आपको हारना पड़ा, और सनत मल्ला जब भी जहां पे भी खड़ा हो जाएगा, हम जीते या ना जीते आपको तो हारना पड़ेगा और बिहार का कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, और आपको जीतना है तो उसी तरीके से पैरलर निषाद समाज के लिए भी कुर्सी देना पड़ेगा, वरना अगर हमको कुर्सी नहीं देंगे तो आपको भी कुर्सी पे बैठने का हक और अधिकार हम नहीं देंगे। ये ताकत हमारे पास है और शक्ति कितना लगा दिए बोछाओ चुनाव में, आप सब टीवी मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि हर पंचायत में 2-2 विधायक को बैठा दिए, सैकड़ों नेता को लाकर रख दिए, पूरे बिहार के नेता को एनडीए ने उतार दिया कि एक एक वोट को खड़ दो, लेकिन निषाद बिकने वाला नहीं है, निषाद ने दिखा दिया कि हम बिकने वाला भी नहीं है, अपना वोट भी गिराते हैं और दूसरे से भी वोट लेने का क्षमता हमने दिखा दिया।
क्योंकि वहां पे तो हमारे पास 22,000 वोट का पोलिंग कैपेसिटी है, लेकिन 30,000 वोट आया तो मान के चलिए कि 8,000 वोट हमने दूसरे समुदाय से भी लेने का काम किया। उस क्षेत्र में आप उस समय देखते तो जितना उस गांव में कुत्ता नजर नहीं आता उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का नेता नजर आता। उस समय में इस तरीके से हालात हो गया था, लेकिन उनको मुंह खानी पड़ी। इसलिए साथियों इस मंच पे तो बहुत सारा बात नहीं बोलना था, लेकिन नहीं नहीं बोल के बहुत सारे लोग बोले हैं। और क्यों ना बोला जाए, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा के दिन में एक ज्ञान की बात हो, और ये आज भी ज्ञान की बात हो रहा है कि लोग आपके साथ कैसे छल किया, आपके क्लब के साथ कैसे छल किया, आपके क्लब को शिक्षा भी नहीं दी, लेकिन हमारे क्लब ने उनको गुरु माना, उनके मूर्ति को रख के पूजा किए, लेकिन वो गुरु कितना चालाक निकले कि शिक्षा भी नहीं दिए लेकिन दक्षिणा में उनका अंगूठा ले लिए कि ताकि ये आज से अपाहिज हो जाए। तो आज भी वही छल चल रहा है कि आपसे सब कुछ लेगा, शिक्षा नहीं देगा, और आपका जरूरी पड़े तो आपको गर्दन काटने के लिए वो तैयार होगा। इसलिए साथियों हमें वो क्लब नहीं बनना है कि अंगूठा देने वाला, आज हमें वो क्लब बनना है कि सीने में खंजर भोंकने वाला क्लब बनना है। इसलिए साथियों जो आपके साथ जैसा पेश आए उनके साथ वैसे रहिए। आप निश्चित तौर पे समाज में राज्य में भाईचारा बनाइए, हर जाति धर्म के साथ आप मिलिए, उनसे दोस्ती कीजिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, आज उनके लिए आप काम कीजिए, उम्मीद कीजिए कि कल वो आपके साथ काम करे। लेकिन ऐसे लोगों के साथ नहीं रहिए जो आपके साथ छल करता हो, जो कपट करता हो, जो आपको बेवकूफ बनाता हो, जो आपको गुमराह करता हो, आपके आने वाले नस्ल को खत्म करने के लिए सोचता हो। आज मैं सरकार में रहता तो अपने लोगों के लिए अपने राज्य में काम करता, आज मैं बिहार में नए तालाब का निर्माण कराने का सोच रहा था, आज हमारे तालाब पे गैर मछुआरा हावी है, दूसरे लोग अतिक्रमण करके रखा उसको मुक्त कराना चाह रहा था, तो आज मैं क्या गलत कर रहा था? कल हमारे लोग 14 से पहले जिला में एक दो आदमी भी दरोगा डीएसपी और एसपी से बात करने का लायक नहीं था, आज पूरे बिहार में निषाद वीआईपी पार्टी के पास वो ताकत हो गया कि हर जिले में 25-50 युवा साथी कार्यकर्ता है जो डायरेक्ट एसपी और डीएम से जाके बात करेगा कि सर ये काम है और इसको आपको करना है। यही है लोकतंत्र में, हमने क्या उनको आवाज दिया, क्या गुनाह किया? ये आवाज तो श्री लालू प्रसाद यादव भी दिए, ये बहन मायावती भी दिए, ये हमारे मुलायम सिंह जी भी दिए, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जी भी दिया अपने अपने लोगों का आवाज। क्या मैं जो दे रहा हूं तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी जातिवाद नेता है, ये जात की बात करता है। अरे भैया आप जिसको जात समझ रहे हो वो मेरे लिए जात नहीं है, मेरा अपना परिवार है, और मेरा कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले अपने परिवार के बारे में बात करो, अपने लोगों के बारे में बात करो। जात तो आप हमारे लिए है, आप अपने शादी में हमें बुलाएंगे तो हम आपके साथ अपने शादी में आपको बुलाएंगे, अगर आप नहीं बुलाएंगे तो हम भी आपको नहीं बुलाएंगे, लेकिन हम अपने परिवार को कैसे भूल सकते हैं? हमारे शादी में अगर हमारा परिवार नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब है शादी का? इसलिए साथियों आने वाले समय में पॉलिटिकल मंच होगा, सभा होगा और किया जाएगा, बड़ी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी निषाद गुरुकुल हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं, जो पूरे बिहार से 7 दिन के लिए युवा को वहां पे ट्रेनिंग दिया जाएगा कैसे आपको राजनीति करना है। अभी राजनीति सीखने के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, लोगों को 7 दिन तक ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, और गांव-गांव में संदेश को पहुंचाने के लिए हम टीम रेडी कर रहे हैं। अभी हम अगले महीना बारिश के बाद निकलेंगे, मुकेश सहनी चले गाँव की ओर, हम 5 लाख निषाद को आजीवन वीआईपी पार्टी का लाइफ टाइम मेंबर हम लोग बनाने के लिए गांव में निकलेंगे। उस पार्टी का लाइफ टाइम मेंबर होगा 5 लाख कार्यकर्ता, जो आज तक बिहार प्रदेश में और देश में किसी पार्टी के पास नहीं होगा, वो हम आने वाले समय में करने के लिए जाएंगे। आज वीआईपी मतलब निषाद समाज, और निषाद समाज मतलब वीआईपी, वीआईपी मतलब मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी मतलब निषाद समाज। आज यही परिचय आज पूरे बिहार में है, और इस परिचय को आने वाले शिखर तक पहुंचाएंगे। और आपने देखा जिसके पास सत्ता पावर है अपने विचारधारा तो वही लागू कर पाएगा। आप
आपके पास सत्ता पावर नहीं है तो आप अपनी विचारधारा को लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों हमारी विचारधारा है, हमारा हक अधिकार हमें चाहिए, गरीब का कल्याण हो ये हक आदि अगर हमारा विचार है तो सत्ता में सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। और जब पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर अपने लोगों के लिए आप काम करेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, इस सभा में सभी उपस्थित हमारे सभी नेतागण को और खास करके हम रंजीत उर्फ नंदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ पे बुलाया है और पूजा समिति के सभी सदस्य को। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपए से 1200 रुपए स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।